कोरोना वायरस के प्रकोप ने प्रदेश में पर्यटन कारोबार की कमर तोड़ कर रख दी है। प्रदेश में अप्रैल, मई और जून माह के लिए देश व विदेश के ट्रेवल एजेंट्स द्वारा की गई अग्रिम बुकिंग में से 90% रद्द कर दी गई हैं। ऐसे में लगातार रद्द हो रही बुकिंग से चिंतित पर्यटन उद्यमियों ने देश विदेश के ट्रेवल एजेंट से बुकिंग रद्द न करके आगे सरकाने की गुहार लगाई है। देश विदेश में फैले कोरोना वायरस ने अब पर्यटन कारोबारियों की भी कमर तोड़कर रख दी है। 90% से अधिक बुकिंग रद्द कर दी गई है। कोरोना की वजह से मंदी की मार झेल रहे पर्यटन उद्यमियों ने देश विदेश में ट्रेवल एजेंट से इन बुकिंग को रद्द ना कर आगे सरकाने की गुहार लगाई है, ताकि आगामी महीनों में कोरोना का खतरा कम होने पर नुकसान की भरपाई हो सके। पर्यटन कारोबार से जुड़े सूत्रों की माने तो अप्रैल, मई, जून माह के लिए फरवरी और मार्च में बुकिंग होती थी। इस बार भी बुकिंग हुई, लेकिन कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर फरवरी माह से जारी बुकिंग रद्द होने का क्रम अभी तक भी जारी है। आलम यह है कि पिछले 2 महीनों में ही प्रदेश भर के निजी होटलों में 90% बुकिंग रद्द हो चुकी है। पूर्व के वर्षों में मार्च माह में प्रदेश के होटलों में 50-70% ऑक्यूपेंसी रहती थी, लेकिन इस बार हालात कुछ अलग हैं। होटलियर्स की माने तो आगामी अप्रैल, मई, जून माह में महाराष्ट्र के पर्यटकों की बुकिंग होती थी, लेकिन कोरोना की वजह से महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी की गई एडवाइजरी की वजह से महाराष्ट्र के पर्यटकों की आमद प्रभावित होगी। होटलियर्स को उम्मीद है कि आगामी दिनों में कोरोना का खतरा कम होगा। ऐसे में होटलियर्स ने देश विदेश के ट्रेवल एजेंट से एडवांस में की गई बुकिंग को रद्द न कर पोस्टपोन करने की गुजारिश की है। धर्मशाला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और फरवरी और मार्च के महीने में यहाँ पर हमारे यहाँ फॉरनर की बहुत ग्रुप मूवमेंट हुआ करती थी। फरवरी से ही तिब्बतन न्यू ईयर लोफर स्टार्ट होता था और उसके बाद लोफर के बाद दलाला मस्जिद टीचिंग दिया करते थे। ये टीचिंग रफली 18-20 दिन चला करती थी और जिसमें इम्पोर्टेंट कंट्री पार्टिसिपेट करते थे वो थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, वियतनाम, वहाँ से श्रद्धालु आया करते थे। वो एक किस्म थी, ये एयर एंडिंग भी हुआ करती थी। उसी टाइम कॉर्पोरेट क्लाइंट, उनके एक बजट होते थे मार्केटिंग के और कॉन्फ्रेंसिस के, वो भी आया करते थे। तो फिर मिल मिलाकर ये जो मार्च का महीना होता था रफली कोई 50-70% ऑक्यूपेंसी रिकॉर्ड किया करती थी। नहीं, इस बार जो चाइना के अंदर कोरोना वायरस शुरू हुआ उसके चलते चलते जो मूवमेंट थी कम हुई, धीरे हुई, लेकिन बंद नहीं हुई थी। अभी पिछले कुछ एक हफ्ते से जो कैंसलेशंस आनी शुरू हुई इन्हीं जो 12 कंट्री थे जो अफेक्टेड कंट्री थे, तो उसमें ऑलमोस्ट 80% की गिरावट की गई, कैंसलेशन हुई। लेकिन अब उनके हैरान हो गए, पिछले 2 दिन में मैं जाऊँ तो पिछले कल से ही वो जो कैंसलेशन है 90% तक आ चुकी है। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से नृपजीत निप्पी की रिपोर्ट।